तो तोपचाची प्रखंड विकास पदाधिकारी फणीश्वर रजवार के कार्यशैली के खिलाफ तोपचाची प्रखंड के विभिन्न पंचायतों के जनप्रतिनिधि ने प्रखंड सह अंचल कार्यालय के पास अनिश्चितकालीन धरना दे दिया है, जहां धरना प्रदर्शन के दौरान वक्ताओं ने प्रखंड विकास पदाधिकारी फणीश्वर रजवार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए भड़ास निकाला है। वहीं पावापुर पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि जितेंद्र पांडे ने कहा कि अबुआ आवास के जारी सूची योग्य लाभुकों का चयन नहीं हुआ है और साथ ही आवास विहीन व्यक्ति के अलावा पक्के मकान वाले लोगों को आवास योजना का लाभ दिया जा रहा है। वही कुरकटा पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि कपिल सिंह ने कहा है कि प्रखंड विकास पदाधिकारी जल्द से जल्द अबुआ आवास योजना से जुड़ी समस्याओं का अगर 24 घंटे के अंदर समाधान नहीं करते हैं तो इसी धरना स्थल में आत्मदाह कर लेंगे। और अनिश्चितकालीन धरना को समर्थन देते हुए पहुंची जीप उपाध्यक्ष सरिता देवी ने कहा कि सरकार के जारी गाइडलाइन के अनुसार योग्य लाभुकों को अबुआ आवास योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। और चाची प्रखंड के विभिन्न पंचायतों से आए हुए सभी सम्मानित मुखिया जी, मुखिया प्रतिनिधिगण, मुखिया जी लोग आज बैठे हैं, लेकिन यह लापरवाही या तोपचांची में मतलब अफसरशाही बोलिए या मुखिया जन चुने हुए जनप्रतिनिधि लोगों को नज़रअंदाज करना, यह तोपचांची में बराबर से रहा है। और इस पर जो आवाज़ आज उठा या पहले उठना चाहिए, लेकिन ठीक है, देर आए दुरुस्त आए, आज मुखिया लोग बैठे हैं, इनके साथ जिस हद तक हमको समर्थन करना हो हम उसके लिए तैयार हैं। कहीं ना कहीं गरीब असहायों का अधिकार हक को मारा जा रहा है, इसी को लेकर मुखिया संघ आज धरने पर बैठे हैं। और कहीं ना कहीं जब ये आवेदन लिया गया था उसमें स्पष्ट यही कहा गया था कि इसमें कोई चमचा का जरूरत नहीं है, कोई क्या बोलते हैं बिचौलिया का जरूरत नहीं है, ये जो भी होगा जनमीन होगा, उसमें कुछ गाइडलाइन भी दिया गया था, लेकिन उस हिसाब से